हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि कंपलसरी पेपर है बीए के सभी छात्रों के लिए, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए। ये जो विषय है, बहुत संवेदनशील इस विषय को बनाना इसका उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम का विभिन्न गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में स्वच्छ और हरित चेतना जगाना, इस जैसे पौधारोपण, जल व बिजली संरक्षण व हरे व स्वच्छ परिसर ड्राइव आदि। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर इको क्लब गठन करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाना है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ें, कंपलसरी है, इसमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो सिलेबस है उसको। इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे पहले जो यूनिट है उसके अंतर्गत आता है, पहला अध्याय है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व इसके अंतर्गत आता है, सतत विकास की अवधारणा जो है वो इसके अंतर्गत आती है। फर्स्ट यूनिट की जो दूसरी चैप्टर है वो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत भूमि रिसोर्स, लैंड रिसोर्स को आते हैं, भूमि का जो ह्रास हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसका आता है, मृदा का जो अपरदन हो रहा है, सोयल इरोजन उसको आता है, मरुस्थलीकरण हो रहा है जो डेजर्टिफिकेशन उसको इसके अंतर्गत कवर किया जा रहा है। फिर फॉरेस्ट रिसोर्स इसके अंतर्गत आएंगे, वन संसाधन, वनों की कटाई के कारण खनन जो हो रहा है, माइनिंग, डैम का जो निर्माण हो रहा है, वन व जनजातियों पर प्रभाव, यानी ये जो सारे काम हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, बांध बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है, इससे प्रकृति पर, वनों पर और जो जनजातियाँ उन पर क्या प्रभाव है, इन सब का एनालिसिस इस चैप्टर के अंदर होगा। जल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, जल दो तरह का होता है, सतही जल, भूमिगत जल, इसका शोषण कैसे हो रहा है, ठीक है, पानी के ऊपर कैसे डिबेट्स हो रही हैं, देशों की आपसी लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं, पानी को लेकर टकराव है, उन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ऊर्जा के संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनको देखेंगे, और वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग और इनकी प्रोसेसिंग का अध्ययन करेंगे हम, कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, और जो और जो विकल्प हैं इनके अलावा, उनको इसके अंतर्गत देखेंगे। ये जो पार्ट है ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो यूनिट है, दूसरी यूनिट के अंतर्गत आता है इकोसिस्टम, परितंत्र। परितंत्र की परिभाषा इसके अंदर हम पढ़ेंगे, परितंत्र की संरचना पढ़ेंगे और कार्य पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो देखेंगे हम, खाद फूड चेन देखेंगे, ठीक है, वेब चेन देखेंगे, परिस्थिति की वंशक्रम देखेंगे, और इकोसिस्टम के टाइप देखेंगे, और इकोसिस्टम को अध्ययन करेंगे दूसरी यूनिट के पहले चैप्टर में। और दूसरी यूनिट के दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैव डाइवर्सिटी होती क्या है, उसके क्या मूल्य हैं, अनुवांशिक प्रजातियां और परितंत्र विविधता क्या है, भारत के जैव भूगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटिकल एरियाज कौन कौन से हैं, विश्व में जैव विविधता के जो हाई सक्रिय क्षेत्र कौन से हैं, भारत में हाईली बायोडाइवर्सिटिकल एरिया कौन से हैं, ठीक है, भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उसके कारण, उसके प्रभाव, उसका नियंत्रण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय खतरे, ठोस अपशिष्ट और सॉलिड वेस्ट और उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, भूमंडलीय टेम्परेचर का जो टेम्परेचर में वृद्धि है, ओजोन परत के जो डिग्रेडेशन है उसको देखेंगे, एसिड रेन को देखेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे, उसके प्रदूषण और उसके प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट की जो सेकंड चैप्टर है उसमें
आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट को देखेंगे, उसमें सूखा से कैसे हम, सूखा क्या होता है, ठीक है, बाढ़ क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं, सुनामी और भूस्खलन क्या है, इन सभी चीजों को एनालाइज करेंगे। चौथी यूनिट जो है उसके अंतर्गत होगा पर्यावरण की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको हम देखेंगे, पर्यावरण के जो कानून हैं उनको देखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है 1986 उसको देखेंगे, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 1981 उसको पढ़ेंगे, जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 1974 उसको पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसको पढ़ेंगे, वन्य संरक्षण अधिनियम है उसको पढ़ेंगे। चौथी यूनिट के अंतर्गत जो पॉलिसीज हैं और जो नियम है और जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा भारत में, उनको अध्ययन करेंगे। और चौथी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है उसमें मानव समुदाय और पर्यावरण है, ह्यूमन इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, मानव की जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे, उसके नियंत्रण और प्रभाव को देखेंगे, औषधीय व्यसन को देखेंगे, मादक पदार्थों और उसके प्रभाव को देखेंगे, पर्यावरण से जुड़े हुए जो आंदोलन है जैसे चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली का आंदोलन, पर्यावरण नैतिकता, भारत के अन्य धर्मों का पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, इन सभी को हम जो है इसके अंतर्गत लगाएंगे। और इसके अंतर्गत जो दो तरह से गतिविधियां जो हमने अपने अंदर करनी है वो है, अपने इलाके के पर्यावरण समस्याओं का हम वर्णन वर्णन करेंगे, उनके सुझाव देने का कार्य करेंगे, स्थानीय प्रदूषित क्षेत्र चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, शहरी ग्रामीण औद्योगिक कृषि क्षेत्र, प्रदूषित जल उपचार संयंत्र का हम अध्ययन करेंगे, पर्यावरणीय संपदाओं के प्रलोक के एक क्षेत्र का, नदी वन वनस्पति और जीवों का हम अध्ययन करेंगे, विद्यार्थियों को पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूक बनाने के लिए रैली, प्रश्नोत्तरी, निबंध और लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करना भी इस जो पेपर इसका मुख्य उद्देश्य है। और जितनी भी तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं वो तमाम बातों का ध्यान रखना इस पेपर का मूल उद्देश्य है। इन तमाम बातों को समझ के पढ़ के हमें एनालाइज हो गया कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। तो इन सभी के साथ अगली वीडियो में आपको शुरू से, आपके यूनिट वन से आपका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को बार बार देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।